हाँ हेलो दोस्तों, राजवंश सिंह मोहाली, प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। और जो आज का टॉपिक है ये उन दोस्तों के लिए है जिनका सपना मोहाली में घर बनाने का है। और जिस मकान के बारे में आज मैं जिस घर के बारे में ये वीडियो दे रहा हूँ वो सेक्टर 67 में है। हाँ, सेक्टर 67 में, और ये फर्स्ट फ्लोर, इसकी सिर्फ फर्स्ट फ्लोर 30% पे, मतलब इस आपकी रजिस्ट्री आपके नाम पे हो सकती है। यदि हम रेट वाइज बात करें, रेट वाइज ये फ्लैट से भी सस्ता है, क्योंकि जो मोहाली में फ्लैट्स हैं दो बेडरूम तीन बेडरूम के वो करोड़ों के ज़्यादा है उनकी वैल्यू है। लेकिन जो ये है 10 मरले का घर है 250 गज का, और इसकी फर्स्ट फ्लोर है, उसका रेट 90 लाख रुपए की डिमांड है, उससे नीचे 100% इसमें ये नेगोशिएबल है। मतलब बहुत ज़्यादा नेगोशिएबल नहीं, पर इसमें नेगोशिएट हो सकता है। तो जहाँ की इसकी लोकेशन की बात कर रहा हूँ, मैं अब मार्केट में खड़ा हूँ, तो मैं राजदीप को कहूँगा कि कैमरे से ये सारी मार्केट की ये दिखाओ, ये तंदूरी बाइट्स, ये ब्रेकफास्ट बग्गी, ये सारा लिखा हुआ है, और ये फूड करंट। तो ये राइट साइड पे मेरे देख सकते हो आप कितने घर बने हुए हैं, सारे आसपास में घर बने हुए हैं। तो इसलिए ये मतलब लोकेशन वाइज ये मोहाली में सेंट्रली लोकेटेड है, ये बहुत ही अच्छी जगह पर है। और नंबर दो पे जो रेट वाइज है, रेट वाइज भी बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव रेट पे ये डील अवेलेबल है। और 10 मरले का घर बनाना मोहाली में बहुत बड़ा एक सपने का काम है, और बहुत ही अच्छे लोकेशन पे ये सामने, ये मार्केट के आसपास, जहाँ जो घर का मैं जिस लोकेशन की बात कर रहा हूँ, तो आप ये देख लेना, बहुत ही अच्छी है। यदि जिस दिन आप देखने आओगे आप इस मकान को पसंद करोगे। अभी इसमें दो बेडरूम ड्राइंग डाइनिंग बहुत अच्छा बन चुका है, किचन बहुत बढ़िया बनी हुई है। बाकी कोई आप अपने हिसाब से कोई इसमें अमेंडमेंट करना चाहो तो अमेंडमेंट भी हो सकती है। हाँ दोस्तों, ये देखो मेरे लेफ्ट हैंड पे कारों की फ्लीट्स खड़ी हैं, मतलब कारें कार खड़ी है। इधर हमारे राइट साइड पे भी कारें खड़ी हैं, मतलब कार की पार्किंग है, और पार्किंग लॉट बहुत बड़ा है। ये मेरे हिसाब से 1 एकड़ से ज़्यादा की चौड़ाई में पार्किंग है, और उससे भी ज़्यादा लंबाई इसकी ज़्यादा है। तो मेरा मतलब यह है कि आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, कभी भी यहाँ मतलब आपको पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं आ सकेगी। यदि आप इस घर में जिसकी मैं वीडियो ये बन रही है उसमें आप रहना शुरू कर देते हो, कोई कल को आपके घर में धार्मिक फंक्शन हो, कोई दूसरा फंक्शन हो, कोई मैरिज, छोटी मोटी पार्टी हो, तो आपके रिश्तेदार आते हैं, आप 100 गाड़ी खड़ी यहाँ पर कर सकते हो, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। जितनी मर्जी गाड़ियाँ खड़ी करने की यहाँ पर स्पेस है। और मैं राजदीप को कहूँगा कि ये साथ में जो अब मेरे साथ में मैं मार्केट है जो बड़ी बड़ी बनी हुई है, ये सामने आप मार्केट में आ गए हम, जो इसमें देखो एक तो एक्सिस बैंक है, वो एक्सिस बैंक नज़र आ रहा है, और ये जो ब्लू गाड़ी खड़ी है इसके परली तरफ ICIC बैंक नज़र आ रहा है, और ये मेरे सामने मेरे लेफ्ट हैंड पे बेदी स्टोर सुपर मार्केट है, ये बहुत बड़ी मार्केट बनी हुई है। और मैं राजदीप को कहूँगा कि उस सामने दिखाए जहाँ केमिस्ट लिखा हुआ है वो सारी मार्केट है, और मार्केट की पिछली तरफ वो पीछे मतलब ये बोर्ड टूटा हुआ है लेकिन वो नगर निगम का ऑफिस है, मोहाली नगर निगम का जो ऑफिस है वो सामने इसकी बैक साइड पे है। और ये इधर आ गया HR सुपर मार्केट, एक सुपर मार्केट ये है, त्रेहान हॉस्पिटल है, रमन डेंटल क्लिनिक है, ICIC बैंक है, और बहुत अच्छी लोकेशन है। मतलब मेरा मतलब ये नंबर वन पहले तो सेंट्रल मोहाली में है, बहुत बढ़िया जगह पे, और दूसरे नंबर पर लोकेशन इसकी बेस्ट है। कल को जितना मर्जी मतलब इसमें हो जाए आपको पार्किंग जो लॉट्स है बहुत बढ़िया मिलने वाला है। सो ये आप इसको घर को अपने लिए देखना चाहो देख सकते हो, और यदि आप लेना चाहते हो आप ले लो, आपके कोई दोस्त को पसंद आ जाए वो भी ले सकता है, और बहुत अच्छी प्रपोजल है। आप देख सकते हो मैं अभी इस घर को अंदर से दिखाने वाला हूँ। दोस्तों अब हम मार्केट में खड़े हैं, ये ऑटो जा रहा है, और ये जिस रोड पर मैं खड़ा हूँ ये 60 फुट है, और वो सामने जो कारों का व्यू अभी देखा आपने, ये सामने ये 60 फुट से भी ज़्यादा रोड है, और उसकी दूसरी तरफ जो कारें खड़ी हैं जहाँ पर, ये मार्केट है, मार्केट का पार्किंग लॉट है। और अब हम जिस घर की बात कर रहे हैं उसकी तरफ हम चल पड़े हैं। ये आप देखोगे ये जो साइन बोर्ड लगा हुआ है, बीच का लगा हुआ है, और हमने जाना है ये इसके सेकंड जो है लोकेशन है, सेकंड नंबर प्लॉट है ये, तो इसके बारे में मैं ये आपको फर्स्ट फ्लोर पे अभी लेके चल रहा हूँ।
तो दोस्तों हम अपनी मंजिल पे आ गए हैं। ये घर है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। ये गेट आप देख सकते हो कितना बड़ा गेट लगा हुआ है, और इसमें ये फर्स्ट फ्लोर है जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों हम आप आ चुके हैं आपके सपनों के घर में। तो मैं अभी आपको अंदर से दिखाने वाला हूँ। ये इसका ड्राइंग रूम है, अच्छे तरीके से दिखा दो, जो गेस्ट रूम जिसको बोलते हैं यहाँ पर है। और जो इसके साथ है ये लॉबी हो गई अंदर वाली, मतलब काफ़ी खुली डुली है, बहुत बढ़िया है। और ये मेरी तरफ राइट तरफ है, ये इसकी किचन आ गई। मैं राजदीप को बोलता हूँ कि अच्छे तरीके से दिखा दे। ये सारा काम हुआ हुआ है, इसमें सिर्फ ये टैप्स वगैरह लगने वाले हैं। ये भी मतलब जब कहोगे ये तुरंत लगने वाली हैं। तो ये आप देख सकते हो लकड़ी का काम है, कितना बढ़िया हो चुका है। ऊपर भी बहुत बढ़िया काम हुआ हुआ है। हाँ, ये दोस्तों हम बेडरूम में आ गए हैं इसके। हाँ, इसमें ये बेडरूम है। बेडरूम में ये कपबोर्ड वगैरह बने हुए हैं, और कपबोर्ड के साथ ये हमारा जो वाशरूम है। तो ये बेडरूम है, ये बेडरूम की एंट्री बाहर को है, और ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये बेडरूम की एंट्री है, और ये पीछे भी इसके घर बने हुए हैं। कोई मतलब सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। और ये मार्केट बिल्कुल एक प्लॉट छोड़ के ही 60 फुट से भी ज़्यादा बड़ी सड़क है, और उसके साथ ही मार्केट है। तो ये पीछे तो आप देख सकते हो पूरे के पूरे घर बन चुके हैं। और एक चीज़ और देखने वाली है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें यदि आप ये परमिशन लेके इन्होंने बनाया हुआ है, यदि आपने बैठना है यहाँ पर, कुछ और कोई बनाना है, आप अपने तरीके से कुछ और भी बना सकते हो यदि परमिशन मिलती हो आपको। लेकिन बैठने के लिए मतलब कोई किसी तरीके से धूप सेकनी है, किसी तरीके से अखबार पढ़नी है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। तो मैं अभी दूसरा बेडरूम आपको दिखाता हूँ इसमें। और ये हमारा सेकंड बेडरूम है, ये सेकंड बेडरूम है। और ये इसमें कपबोर्ड वगैरह बने हुए हैं ये अंदर, ये ड्रेसिंग रूम वगैरह बहुत अच्छा लकड़ी का काम हुआ। ऊपर इसकी फॉल सीलिंग हो चुकी है, और ये घर आपके लिए बहुत ही अच्छा रह सकता है। यदि आप मोहाली में घर लेने के इच्छुक हो, आपका सपना है कि मोहाली में आपका घर हो, तो फ्लैट से फार फार बेटर है ये। मैं ये नहीं कहता कि ये बहुत बहुत बेटर है, बेस्ट है, लेकिन जो आदमी फ्लैट के लिए सोच रहा है उसके लिए ये फ्लोर बहुत ही अच्छी है। 30% में, मतलब 30% की आपके नाम पे इसकी रजिस्ट्री हो सकती है, और इसमें आप जो चाहो पीछे, मतलब रहने के लिए बहुत अच्छा है। मैं ये इसी बात पे स्ट्रेस कर रहा हूँ कि मार्केट के बीच में है, मोहाली सेंटर के बीच में है, और आसपास में पूरी मार्केट है। चंडीगढ़ से भी दूरी ज़्यादा दूर नहीं है, एयरपोर्ट से भी ज़्यादा दूर नहीं है, मोहाली का बस स्टैंड है उससे भी ज़्यादा दूर नहीं, रेलवे स्टेशन से भी ज़्यादा दूर नहीं, बहुत बढ़िया सेंट्रली लोकेटेड ये लोकेशन है। हाँ दोस्तों, तो ये मैं अभी वीडियो कंक्लूड कर रहा हूँ, और जिस दोस्त को ये वीडियो पसंद आ जाए, ये घर की लोकेशन पसंद आ जाए, घर की कंस्ट्रक्शन पसंद आ जाए, देखना चाहो तो ये हमारे इसमें नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप वहाँ पर अपना फ़ोन करके टाइम लेके इसको घर को देख सकते हो। और देखने के बाद जो आपकी डील होगी, जिस तरीके से होगी, वो मालकों के साथ ही डील होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। जो दोस्त ये घर ले लेगा वो ज़रूर डेफिनेटली फ़ायदा होगा उसको। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरीके से हमारे चैनल को अपना प्यार देते रहोगे। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा लो, और वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्त को जो मोहाली में घर परचेज़ करने की इंटेंशन रखता है, उसको शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। और आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। हम इसी तरीके की वीडियो बनाते रहेंगे ताकि आप लोगों का इसमें जो इंटरेस्ट रहता है वो इंटरेस्ट को हम वॉच कर सकें। थैंक यू वेरी मच, मिलता हूँ जल्दी नए टॉपिक के साथ।